हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको डीआरडीओ एमटीएस को क्रैक करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे और सही तरीका क्या है डीआरडीओ एमटीएस के प्रिपरेशन करने का और पढ़ने का। ठीक है, एग्जाम की तैयारी सभी करते हैं, सभी पढ़ते हैं, सभी अच्छी अच्छी बुक्स यूज़ करते हैं, तो एग्ज़ाम किसका क्लियर होता है और किस तरीके से, अगर आप फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने वाले हो या फिर आपने अब से पहले कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया है या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, तो किस तरीके से आप इसके लिए पढ़ सकते हो। उसी के साथ एक टॉपिक पर हम और भी बात करेंगे कि क्या बिना कोचिंग के इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, स्टूडेंट का कमेंट था तो हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे और मैं आपका ये डाउट क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए। उसी के साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपके डीआरडीओ एमटीएस की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, रीजनिंग की क्लासेस की जाके आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। करंट अफेयर्स भी स्टार्ट किए थे बट हमारा चैनल हैक हो गया था जिस वजह से हम करंट अफेयर्स को कंटिन्यू नहीं रख पाए, बट अब हम आपके मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हर मंथ प्रोवाइड करा दिया करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। मिनिमम मार्क्स यू नीड टू क्रैक डीआरडीओ एमटीएस, सबसे पहले हमको पेपर को समझने की जरूरत है कि आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है। डीआरडीओ एमटीएस का जो गाइस आपका पेपर आएगा वो आपका 90 मार्क्स का आएगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे गाइस उसमें से 30 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, 35 मार्क्स की आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी और 35 मार्क्स की ही आपकी रीजनिंग आएगी। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से आप एक भी चीज़ को स्किप करके एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ आप इस चीज़ को समझो। अब उसी के साथ एक बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है और बहुत सारों को डाउट है। 40% मार्क्स क्राइटेरिया और 35% मार्क्स क्राइटेरिया। उसी के साथ एक चीज़ और लिखी है, स्टार टू के लिए 1:10 का मेथड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसी के साथ एक चीज़ और लिखी है जिसमें लिखा है 1817 सीटें हैं आपकी टोटल, जो टोटल वैकेंसीज हैं आपकी। ओके, अब इस पूरी चीज़ को समझो। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। शायद आप में से अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा। ये गाइस एक सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम क्राइटेरिया है एग्ज़ाम को पास करने के लिए, और इससे आपकी ये चीज़ भी प्रूव होती है। ये चीज़ क्लियरली बता दूं कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 40% मार्क्स लेके आने से या फिर 35% मार्क्स लेके आने से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो या फिर आप एग्ज़ाम को क्रैक करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे तो आप भूल जाओ कि 45 स्कोर करना है या 35 स्कोर करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका जो मेथड यूज़ किया जाएगा वो आपका 1:10 किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा टायर टू के लिए। ठीक है, आपका एग्जाम दो एग्जाम्स में कंडक्ट होगा। पहले टायर वन होगा, उसके बाद टायर टू होगा। टायर टू कितने स्टूडेंट्स का होगा? टायर टू का जो आपकी टोटल वैकेंसीज है वो आपकी 1817 है और इसमें आपके मोर देन 43 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो मोर देन 43 लाख स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म के लिए आपका अप्लाई किया है टायर वन के लिए। तो टायर टू में जो स्टूडेंट्स जाएंगे वो आपके 18,170 स्टूडेंट्स चाहेंगे। अब आप बोलोगे कि मुझे ये कैसे पता चला, क्योंकि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी 1817 है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक सीट के लिए लड़ते हो तो आपका एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट का एग्जाम होगा, उसी के साथ अगर आप इसको इंटू 10 करते हो तो आपका 1817 स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा टायर टू का, और उसमें से 1817 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा डीआरडीओ एमटीएस में। ठीक है, अब बात आती है कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। सबसे पहली चीज़ आपके ये तीन टॉपिक हैं, एक आपका जनरल अवेयरनेस है, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तीसरा आपका रीजनिंग है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी डीआरडीओ एमटीएस में वो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स है। और अगर आप पास्ट 2 से 3 साल से एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होगा कि सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी की कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। हाई कितनी? ऑलमोस्ट 85%। आप कोई भी एक डेटा पिक करके देख लो, उठा के देख लो और उसकी कट ऑफ को आप ध्यान से एक बार देखो तो जितना ज़्यादा आप स्कोर करते हो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन होने के। और अगर आप एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको इतना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एक सेफ स्कोर
टॉपर वाला सेफ स्कोर लेकर नहीं चलोगे और उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं ही नहीं। सो अगर आपको लगता है कि आप इतना स्कोर नहीं कर सकते, तो मेहनत करो, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप तैयारी छोड़ दो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको लिटरली तैयारी ही करनी होगी इतने एग्जाम मार्क्स को लेके आने के लिए। तो बता देता हूँ कि किस तरीके से करनी है। रीजनिंग आप हमारे चैनल से कर सकते हो, मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप एन अकेडमी से कर सकते हो, ठीक है। मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पर बेस्ट का मतलब ये नहीं कह रहा कि मेरा चैनल ही बेस्ट है रीजनिंग में। रीजनिंग में गाइस आपको जो बेस्ट लगे, जो भी अच्छा लगे, जहाँ से जिसका जिसकी रीजनिंग, जिसकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, जिसकी जनरल अवेयरनेस समझ में आए, आप उसको वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ो या फिर किसी एक अदर डेडिकेटेड चैनल से पढ़ो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आपको जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़ो। सिंपली आपको पढ़ना किस तरीके से है, आपको सिलेबस नोट डाउन करना है। अब बात आती है कि डीआरडीओ ने तो कोई ऑफिशियल सिलेबस रिलीज ही नहीं किया, ठीक है। जब आप डीआरडीओ एमटीएस का नोटिफिकेशन पढ़ोगे, तो उसमें सिंपली लिखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम आएगा, ओके। और अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपके पेपर किस तरीके से आएंगे, तो डीआरडीओ सेप्टेम आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च करना डीआरडीओ सेप्टेम 09 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर मैं इस वीडियो के नीचे आपको 3 लिंक पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो उन 3 लिंक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो एक्चुअल में डीआरडीओ के पेपर के हैं, और वो जो आपका पेपर हुआ था, वो आपका जूनियर असिस्टेंट के, जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लेवल का एग्जाम था ये तो, बल्कि जब भी आपका डीआरडीओ एमटीएस का है, तो उसी टाइप के आपके सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। और उस पेपर में मैंने बताया कि आपका जो पेपर है वो पूरा 10th बेस पर आया था, तो यहाँ भी आपका जो पेपर आएगा वो आपका 10th बेसिस पर ही आएगा। तो आपको ज़्यादा डरने के, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो फोकस करना है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा करना है, जनरल कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा करना है। आपने खुद भी देखा होगा कि सिलेबस में लिखा है जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, ठीक है। तो आपके जो टॉपिक्स आएंगे वो आपके बहुत ही ज़्यादा जनरल आएंगे और बहुत ही ज़्यादा बेसिक आएंगे। अब इस प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ, वो कुछ हाईली एडवांस पढ़ लेते हैं, तो उनसे जनरल और बेसिक वाला सॉल्व नहीं होता हो पाता, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की उसमें कोशिश करते हैं और टाइम निकल जाता है जब उससे पहले उस चीज़ को वो समझ पाए। तो सिंपल सी चीज़ है, आप जितना कम माइंड को उसमें घुसाओ और ओपन माइंड से उसको सॉल्व करने के ट्राई करोगे, उतने जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रीजनिंग आपको कहाँ से करनी है, आप हमारे चैनल से कर सकते हो। अगर आपको कोई पेपर फॉलो करना है प्रैक्टिस के लिए, तो आप SSC JEE के पेपर को फॉलो कर सकते हो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स भी ज़्यादा होते हैं, एक अच्छी खासी आपकी उसमें रीजनिंग होती है, एक लेवल भी उसमें आपका बरकरार होता है, एक अच्छा लेवल होता है सोल्व करने के लिए, ठीक है। ना तो ईजी होती है ना हार्ड होती है, बट एक मॉडरेट लेवल है जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको डीआरडीओ एमटीएस में देखने के लिए मिलेंगे। तो SSC JEE के आपके प्रीवियस ईयर आप गूगल करके सर्च कर सकते हो। SSC पोर्टल नाम की एक वेबसाइट है जहां से आपको इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रीजनिंग आप जाओ वहां पे, पेपर को सोल्व करो, 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, आप ट्राई करो कि आप उन 50 क्वेश्चंस को विदिन 30 मिनट्स आप उनको सोल्व कर पाओ, ठीक है। 50 क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है। उसी के साथ एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपकी होती है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे बात हो रही है आपकी 90 100 क्वेश्चंस की 90 मिनट के अंदर, तो मतलब आपको भी पता है कि इस हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट से कम टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब ये भी बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस आपको कहां से पढ़नी है, डोंट वरी। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने बहुत बार बताया कि ल्यूसेंट आपको यूज़ करनी है, और अभी भी मैं यही बता रहा हूँ कि ल्यूसेंट आपको यूज़ करनी है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, करंट अफेयर्स आपके ऑलरेडी past 8 months के मैंने रेडी कर लिए हैं। मैंने कुछ आपके ऑनलाइन पेड कोर्सेज के PDF को कलेक्ट किया है, या फिर मुझको जहाँ से भी जो भी इंटरनेट पे जो सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स हो सकते हैं past 8 months के, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैंने सारे के सारे कलेक्ट कर लिए हैं। मैं पोस्ट कर रहा हूँ उनको, आज से या कल से स्टार्ट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। 8 वीडियोज़ आएंगी, या फिर मैं एक ही वीडियो में सारे PDF प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरीके से जैसा भी मुझसे हो पाएगा, वो उस तरीके से आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो, बट आपको भी गारंटी देनी होगी कि आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। इस वीडियो के नीचे एक जरूर एक कमेंट आपको जरूर करना है कि आपका क्या डाउट है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कुछ भी कमेंट आपको जरूर करना है इस वीडियो के नीचे एक, ठीक है, और लाइक जरूर कर देना, ओके। तो 8 पार्ट है उसके करंट अफेयर्स के, वो मैं पोस्ट कर दूंगा। ल्यूसेंट में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी क्या क्या पढ़ना है। आप जनरल अवेयरनेस की वाली वीडियो जाकर देख लो, हाउ टू स्कोर 25 मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस 06 30 पॉइंट डाल के, तो वो भी आपको मिल जाएगी।
रीजनिंग के लिए आप किसको यूज कर सकते हो, रीजनिंग के लिए हमारे चैनल को यूज कर सकते हो, या फिर जहां से आपको समझ में आए हमारे चैनल को यूज करने का फायदा ये है कि अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, आप रीजनिंग में बिल्कुल जीरो हो, तो आपको रीजनिंग सोल्व करनी आ जाएगी काफी अच्छे लेवल तक की। हम सबसे रीजनिंग की हमारे चैनल की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है और अच्छी बात यह है कि हम सबसे पहले वही टॉपिक सोल्व करते हैं जिसको सोल्व करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। लाइक सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, डाइस को सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है, सीरीज को सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कैलेंडर को सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम इसी तरीके के आपके टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि हार्ड होते हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स नहीं कर रहे जो कि सभी को आते हैं और सभी उसको करा देते हैं। नहीं, हम ऐसा टॉपिक्स नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा टॉपिक कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करने के लिए। लाइक काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, मैट्रिक्स, हमने ये सभी टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आप जाइए वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सभी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम मार्क्स की बात आती है तो आपको गाइस मिनिमम अपना जो टारगेट स्कोर बनाकर चलना है वो आपको 85% बनाकर चलना है, मतलब कि 100 में से 85 मार्क्स। अब आप बोलोगे कि हम इतना अचीव कैसे कर सकते हैं, अगर आप ल्यूसेंट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेते हो जो मैंने ऑलरेडी बताए हैं, तो आप 20 मार्क्स उससे स्कोर कर लोगे बहुत ईजीली। ठीक है, रीजनिंग में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको 35 में से 35 मार्क्स ही स्कोर करने होंगे, किसी भी हालत में आपको 35 मार्क्स वहां पर स्कोर करने होंगे। और मैथमेटिक्स में भी आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाओ, 30 मार्क्स स्कोर कर पाओ। और इसमें भी आपको ट्राई करना है कि आप 20 स्कोर ना करके 20 से 25 तक, अगर आप इसका काउंट लेकर जाते हो तो आप 80 और 85 के आसपास पहुंच जाओगे और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम में 85% मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, आप टायर टू भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करोगे अगर आप टायर वन में 85% लेके आते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ 40% के लिए जाऊंगा और इस एग्जाम को एक सिर्फ हल्के में लेके सिर्फ 45% या 35% या 33% मार्क्स लेके आके सिलेक्शन ले जाऊंगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत बड़ी गलती है, आपके ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि डीआरडीओ का रिजल्ट नहीं आता, डीआरडीओ की डायरेक्ट सिलेक्शन लिस्ट आती है। डीआरडीओ एक पीडीएफ रिलीज करेगा, डीआरडीओ ना तो आपके आंसर की रिलीज करेगा ना ही आपके मार्क्स रिलीज करेगा, डीआरडीओ कुछ भी रिलीज नहीं करेगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्या आपने वहाँ पे परफॉर्म किया, कितना आपका स्कोर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं आता है डीआरडीओ का। डीआरडीओ का सिंपल एक पीडीएफ रिलीज होगी, पीडीएफ में आपका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन नंबर होगा जिसमें कुछ लिस्ट के साथ इतने नाम्स होंगे। पहली जो आपकी लिस्ट आएगी टायर टू के एग्जाम के लिए उसमें कुछ 18,170 नंबर 70 स्टूडेंट्स होंगे, और टायर टू के बाद जो लिस्ट आएगी उसमें कुछ 1,817 स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, बाकी आपको पीछे की बैक स्टोरी कुछ नहीं पता चलेगी कभी भी कि प्रॉब्लम क्या है, ना तो आपको आंसर की पता चलेगी कि आप क्या पेपर अटैम्प्ट करके आए, क्या उन्होंने चेक करा, ना ही आपको मार्क्स पता चलेंगे कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स के बेसिस पर उसको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो डीआरडीओ के बारे में आपको नहीं पता है, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, क्योंकि आपको पता नहीं किस बेसिस पर सिलेक्शन लिया गया है, क्यों लिया गया है। राइट वे ऑफ स्टडी फॉर डीआरडीओ एमटीएस बता दिया, सबसे पहले रीजनिंग पे फोकस करो और मैथमेटिक्स पे फोकस करो, उसके बाद दिन में मिनिमम एंड मिनिमम 30 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, तो 20 से 25 को स्कोर करने की कोशिश करो। अगर आप बोलते हो कि एक वीडियो में बना दूं 30 डेज की, कि टाइम टेबल ही बना दो पूरा, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि 30 डेज़ का आपको टाइम टेबल चाहिए कि मैं किस किस दिन क्या क्या चीज़ें पढ़ूं और कैसे पढ़ूं। आपके एग्ज़ाम की अगर हम डेट की एग्ज़ाम की बात करें तो मैंने पहले भी बोला था कि मिड मार्च आप अपने एग्ज़ाम की डेट मानकर चलिए। मैं मिड मार्च इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मिड मार्च में आपका एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो मिड मार्च तक आपकी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी होगी। तो अगर आपकी एग्ज़ाम की डेट आगे एक्सटेंड होती भी है या फिर बाद में आती है 15 मार्च के, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा रिविजन के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 15 मार्च तक ही आपका एग्जाम हो जाएगा, बट चांसेस हैं कि आपका एग्जाम 15 मार्च तक हो जाए, क्योंकि डीआरडीओ की जो रिक्रूटमेंट होती है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, वो आरआरबी की तरह इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता किसी भी रिक्रूटमेंट को कराने में। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए। और किसी भी तरीके की कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मेरी प्रिपरेशन में तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बैकअप चैनल का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए, हम वहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट्स डालना स्टार्ट कर देंगे। उसी के साथ अगर आपको कोई पर्सनल मैसेज करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम जो है आप फेस कर रहे हो उसको सेंड करना
कोई हाय सेंड करोगे तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आने वाला, क्योंकि मैं चैट नहीं कर सकता। अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे डायरेक्टली, पूरी प्रॉब्लम लिख के एक ही मैसेज में, दो मैसेजेस में, तो मैं उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप मुझसे चिट चैट कर पाओगे, तो ये मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियोस बनानी होती हैं, लेसन्स बनाने होते हैं, लेक्चर्स बनाने होते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।